माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है और उनके लिए बना रही हूँ मैं मैगी। तो चलिए, जब तक मैगी बनती है मैं आपको दिखाती हूँ अपना टमाटो वाला प्लांट। वो टमाटो वाला जो ग्रीन कलर था ना, अब वो रेड में टर्न हो रहा है, ऑरेंज में टर्न हो रहा है मतलब की। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं जब पौधों को पानी देना चाहिए ना, तो या तो सुबह दो पानी या फिर शाम को दो पानी। तो सुबह मैंने आज पानी नहीं दिया था, तो इसलिए मैं शाम को पानी दे रही हूँ। ये देखिए मेरे टमाटर का हाल। टमाटर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ कुछ जो होते हैं ना छोटे छोटे टमाटर, वो ना टूट के ना नीचे भी गिर गए थे। तो मैगी विद मैक्रोनी रेडी है मेरी। ये छोटी प्लेट है कबीर की, बड़ी वाली प्लेट लगाई है साइशा की। तो चलिए इन्हें मैं खाना देती हूँ और फिर मुझे देना है प्लांट्स को पानी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था ना कि मैं नर्सरी से प्लांट्स लेकर आई थी, तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स लेके हम घर पे सीधा नहीं रख सकते। अगर आपको शौक़ है तभी आप प्लांट्स लीजिए, वरना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं ये होता है कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जैसे मैं अपने बच्चों को ध्यान रखती हूँ, वैसे मैं अपने बच्चों की तरह प्लांट्स का ध्यान रख सकूँ। मैंने पूरी तरह से प्लांट्स को अपनी बालकनी में सजा के अच्छी तरह से प्रॉपर रख दिया है। और आप मानोगे यकीन नहीं करोगे कि शाम के टाइम जब मैं फ़ैन ऑन करके बैठती हूँ, चाय पीती हूँ या रात में भी कभी बैठती हूँ, तो इतना ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है कि मन करता है कि फटाफट अपने ऊपर कुछ ओढ़ लूँ। प्लांट्स लगाने से मुझे सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है अपने घर में। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ आज बच्चों के लिए शॉपिंग करने। कुछ घर का सामान भी शॉपिंग करना है, तो आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। अभी मैं आई हूँ कबीर के लिए शूज़ लेने के लिए। फॉर्मल जो शूज़ आते हैं बच्चों के स्कूल के लिए, तो वो हमने लिए हैं ब्लैक कलर के। यहाँ पे बच्चों के शूज़ में, बैलीज़ में बहुत अच्छी वैरायटीज़ है, तो मैंने ये सोचा कि चलो हम यहीं से शूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कबीर फर्स्ट टाइम अपने शूज़ ले रहा है, वो भी फॉर्मल वाले जैसे स्कूल में पहने जाते हैं। बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की थोड़े वीडियो को कैप्चर किया जाए और आपको यहाँ पे वैरायटीज़ भी दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी अच्छी वैरायटीज़ है। तो अच्छा लग रहा है ना, तो चलिए चलते नेक्स्ट जगह पे। यहाँ पे हम बाइक में जा रहे हैं। बाइक में जाने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा हो, शाम का टाइम हो, तो मज़ा ही कुछ और होता है। आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। आपको यहाँ पे वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। इतनी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ है कि आप मज़ा आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे झाड़ू से लेकर स्टूल से लेकर टब है यहाँ पे। यहाँ पे सारे टॉयज़ है, देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ है। बच्चों की बॉटल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, मोटू पतलू की जो मिलते हैं टॉयज, वैसे सब कुछ यहाँ पे एक ही रेट में है। कितने रुपए में है आपको ये वीडियो देखते रहिएगा। आपको मैं लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम जैसे ही हमने एंट्री मारी थी ना, तो बहुत भीड़ आ गई थी हमारे बाद, तो लेना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, साथ में वीडियो भी करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो आपको मैं घर जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ पर जो कबीर जिस टॉय से खेल रहा है हमने वो भी लिया था। तो चलिए नेक्स्ट जगह पे अब हम चलते हैं। ये सामान हम आपको घर रखने जाना है, घर रख कर आएंगे तभी हम नेक्स्ट जगह पे जा पाएंगे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। यहाँ पे हम साइशा के स्केट्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कबीर के साथ हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई कि कबीर को एक बाइक पसंद आ गई है और उसने यहाँ पे इतना हंगामा कर दिया कि मुझे वो बाइक चाहिए चाहिए। और जो भी वहाँ पे टॉयज लेने बच्चे आ रहे थे उसको वैसा ही टॉय चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बच्चों की जो साइशा के लिए स्केट लेने आई थी, यहाँ पे जस्ट मैं प्राइस पता करने आई थी सो दैट वी कैन नो कि पूरा का पूरा सेट कितने का आता है, क्योंकि स्कूल में एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो साइशा ने रोलर स्केटिंग का ऑप्शन लिया है। तो आप भी बताइएगा कि आपके बच्चों ने कौन कौन से ऑप्शन ले रखे हैं, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या उनको दिलवाते हैं, क्या दिला चुके हैं। तो यहाँ पे जो है साइशा को स्केट्स पसंद आ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की भी आए हैं, हमें कॉस्को का दिखा था। बाकी और भी वैरायटीज़ हैं और भी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन भी थे। तो अभी मैं जस्ट प्राइस है पता करने आई हूँ। ये कब तक आ जाएंगे फिर? क्या चीज़? ये वाला सेट अगर हमारे को ग्रीन या ऑरेंज में चाहिए पूरा सेट। कोई भी दोनों में से एक चीज़ अगर लेना चाहिए। क्या चाहिए? बाइक चाहिए। बाइक अभी तो ला देंगे। इसको बाइक चाहिए। बाइक नेक्स्ट हम जा रहे हैं कुछ घर का राशन लेने के लिए, लेकिन हमने गलती ये कर दी कि हम बाइक पे गए हैं, क्योंकि अगर कुछ सामान ज़्यादा हो जाता है, ऑफ़ कोर्स राशन का सामान कुछ भी आप लेते हो तो वो तो ज़्यादा होगा ही,
तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी, सामान हमने ले लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे वेट भी किया था क्योंकि यहाँ पे जो थे मेरे हस्बैंड वो गाड़ी लेकर आ गए थे। तो ये अच्छा हुआ कि वो गाड़ी लेकर आ गए, इससे हमारा जितना भी सामान हमारा पूरा कट्टा भर के सामान भरा था, और कुछ मैंने सामान इस तरह से लिया था सो दैट बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए उनको नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, वैराइटीज़ उनको बना के देती हूँ। मैं इन पर भी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो देखना, और अगर आपने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मैंने बताया था वीडियो के मिड में कि यहाँ पे जो सबका प्राइस है वो एक ही प्राइस है, 99 रुपीज़ ईच। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जो भी बर्तन देख रहे हैं, किचन का कपड़ा देख रहे हैं, किचन के कपड़े के जो है ये 10 सेट आए थे, मतलब 10 कपड़ों का एक पॉलिथिन में था, तो यहाँ पे भी ये 99 रुपीज़ का था। और ये जो ग्राइंडर टाइप जो होता है, जो हम लस्सी जैसे बना सकते हैं, स्मूदीज कर सकते हैं, शेक्स कर सकते हैं, तो ये भी मेरे को 99 रुपीज़ में पड़ा। इन सबके जो प्राइस है वो सबके अलग अलग मेंशन थे, लेकिन ये जो है 99 रुपीज़ ईच पड़ा, जो कि मुझे वर्थ लगा है। और ये जो टॉय कार है ये भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, इसको क्या बोलेंगे पता नहीं, बच्चों की टॉय होता है ये। यहाँ पे मैंने लिए थे जो फॉक के जो सेट होते हैं, आई थिंक ये 6 का सेट था, ये भी 99 रुपीज़ का पड़ा है। और यहाँ पे जो हमने लिया था इडली का जो मेकर वाला होता है वो मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैं इडली नहीं बना पाती थी। डोसा फिर भी कभी कभी अपने तवे पे बना ले तो बना ले, लेकिन डोसे वाला तवा भी मुझे लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे को क्वालिटी थी वो भी अच्छी लगी थी, 3 वाला था ये, और सब सामान 99 रुपीज़ का पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माई वीडियो एंड टेक केयर। ओम साई राम।